तो अगर हमें इलस्ट्रेटर में किसी शेप के अराउंड में कॉपीज निकालनी है ना, तो वो एक सिचुएशन देखने वाले हैं कि अगर हमें इस टाइप का फॉर्म चाहिए तो कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले फाइल ले रहे हैं, क्रिएट न्यू पे आके वेब में आ रहे हैं और कोई भी एक कॉमन साइज ले रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। एक बेसिक शेप ले रहे हैं, मान लो हमने यहाँ पे एलिप्स टूल लिया, सिंपली शेप हमने क्रिएट किया। सिलेक्शन टूल लेते हैं, अगर ध्यान से देखें शेप पे तो इसका सेंटर पॉइंट हमें तो यहीं पे नजर आ रहा है, यानी अगर अभी हमारा शेप रोटेट होगा तो देखो कुछ इस एंगल से उसी सेंटर पॉइंट से क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। ठीक, कंट्रोल जेड। इन केस अगर हमें इसके सेंटर पॉइंट को चेंज करना पड़ गया, हम चाहते हैं कि इस पॉइंट से ना रोटेट हो, वो अपने इस पॉइंट से रोटेट हो, तो हम यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक टूल दे रखा है। टूल का नाम है यहाँ पे क्या, रोटेट टूल, देख रहा है। ठीक, रोटेट टूल लेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो देखो उस सेंटर पे एक आइकन शो होने लगा, सेंटर दिख रहा है, जहां पे भी देखो हम क्लिक करेंगे वो अपने आप उसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी अब इसका जो टेम्परेरी जो रोटेशन पॉइंट है वो कहां पर आ गया है, इस जगह पे आ गया। टेम्परेरी क्यों बोला हमने, क्योंकि अगर हमने ये यहाँ पे क्लिक किया और उसके तुरंत बाद हमने क्या ले लिया, सिलेक्शन टूल लिया, तो जब सिलेक्शन टूल लेंगे तो ध्यान से देखो वो फिर से उसी जगह शिफ्ट हो जाएगा। यानी अगर हम अभी रोटेट कराएंगे तो प्रॉब्लम अभी भी वही बनी हुई है ना, कंट्रोल सेट। तो हमने फिर से यहाँ पे क्या लिया, रोटेशन टूल, ठीक ले लेते हैं, और सिंपली हमने जहां पे भी हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए था हमने वहां पे क्लिक कर दिया। इसी टूल को लिए रखना है और देखो एरो अपने आप नजर आ रहा है, आ रहा है। बस हमें अब क्या प्रेस कर लेना है, आल्ट प्रेस कर लेना है। आल्ट हमारा क्या निकालता है, कॉपी निकालता है, लेकिन अब जो कॉपी निकल रही वो रोटेशन में निकल रही, जितने डिग्री की हमें कॉपी चाहिए थी हमने निकाल के रख दिया। कंट्रोल डी करते हैं और देखो उसी सेम आउटपुट को यहाँ पे क्या कर रहा है, रिपीट करता हुआ चला जा रहा है। सिलेक्शन टूल ने एक ऑप्शन हम लोग ने देखा था एक्सक्लूड, अगर हमने सारे शेप का देखो कलर दे दिया तब तो यहाँ पे एक सिंगल शेप ऐसा लग रहा कॉपीज निकल रही है, है ना। तो हमने यहाँ पे फिर सारे शेप का सिलेक्शन लिया, विंडोज के अंदर गए और हमने एक ऑप्शन देखा था पाथ फाइंडर ले रहे हैं यहाँ पे। पाथ फाइंडर में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन एक देखा था एक्सक्लूड, कॉमन एरिया को डिलीट कर देता है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी इसको कॉमन एरिया मिला देखो वो डिलीट होता है। तो बैकग्राउंड के लिए देखो हमारा एक डिज़ाइन बनता हुआ दिखता है, ठीक इस टाइप के कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हमें लगता बड़े टफ रहते हैं लेकिन बहुत ईजी वे में देखो बनता हुआ दिखता है। ठीक, जो शेप बनते जा रहे हैं उनको साइड में कट फिर से लेते हैं एक बार, है ना। एलिप्स टूल लिया हमने, फिर से ट्रैक किया, फिल कलर फिलहाल के लिए भी नन कर रहे हैं इसका। रोटेशन टूल लेते हैं, हमने बताया क्या करना है, जहां पे भी हमें इसका सेंटर क्लिक करना है कहीं पे भी क्लिक कर देंगे सेंटर वहां पे चला जाएगा। हर बार अगर सेंटर चेंज होगा तो डिजाइन चेंज हो जाएगा, यानी अगर अब हमने आल्ट के साथ ड्रैग करके कॉपी निकाली तो कॉपी का पैटर्न देखो डिफरेंट है ना, क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट चेंज कर दिया है। कंट्रोल डी करेंगे तो देखो इस बार जो कॉपी का फ्लो आ रहा है पहले वाले से टोटल डिफरेंट हो गया, देखा है। तो यानी हर बार सेंटर पॉइंट चेंज करके हम लोग इनफाइनाइट डिजाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ब्लू कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, तो ये पैटर्न उस पैटर्न से डिफरेंट दिख रहा है हमारा, ठीक। तो जितनी बार हम सेंटर पॉइंट चेंज करेंगे हर बार हमारे डिजाइन पे एक हमें नया वेरिएशन दिखेगा, जो कि आज के टाइम इस टाइप के डिजाइन के लिए बैकग्राउंड में हम लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक। फिर से ले रहे हैं, इस बार हमने यहाँ पे पॉलीगन टूल ले लिया, है ना। पॉलीगन अगर हमने ड्रैग कर दिया तो एक हेक्सागन शेप बन गया हमारा, लेकिन हमें ट्रायंगुलर या इससे कम साइडेड वाला शेप चाहिए, तो पॉलीगन ड्रैग नहीं करेंगे, क्लिक करके छोड़ देंगे, तो उसकी क्या आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज मेंशन हो। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है हमें कौन सी, साइड की, तो हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 3 कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बन गया, ट्रायंगुलर शेप, सही है, ठीक। डिलीट दूसरा तरीका, ड्रैग किया और लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखना है हमें, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, प्रेस करके रखे हमें, और कीबोर्ड में अप एरो की और डाउन एरो की से भी देखो हम इसकी साइड्स को डायरेक्टली क्या कर पा रहे हैं, इंक्रीज कर पा रहे हैं और डिक्रीज कर पा रहे हैं। लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना है, अप एरो की और प्लस डाउन एरो की को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक ना। अगर हमने शेप छोड़ दिया, अब अगर हम अप और डाउन एरो की करेंगे देखो हमारा शेप मूव हो रहा है ना,
तो ध्यान रखना है कैसे शॉर्टकट यूज करना है। एक मेथड ये भी है जिससे हम यहाँ पे कॉपीज में वेरिएशन कर सकते हैं, ड्रैग किया लेफ्ट क्लिक प्रेस रहना चाहिए, ठीक। डाउन एरो कीज हमने इसकी साइड्स को क्या किया है, कम किया, शिफ्ट प्रेस कर लिया ताकि बिल्कुल पैरेलल वे में देखो वो प्रॉपर हमारा क्या क्रिएट कर रहा है, ट्रायंगुलर शेप। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पॉइंट को थोड़ा सामने और शार्प किया ऊपर की तरफ, ये लो स्केल कर लेते हैं, कॉपी निकाल देते हैं, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और सेम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली ओके कर रहे हैं, इसकी पोजीशन को लगभग इस वाली पोजीशन से मैच करा दे रहे हैं और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं इसे पाथफाइंडर में यूनिट ऑप्शन, सिंपल ये शेप हमारा बनता हुआ देख आ रहा है, ठीक। इसका सेंटर बाय डिफॉल्ट हमारे यहीं पे है बिल्कुल, है ना, साइज हम इसका यहाँ पे छोटा कर रहे हैं, स्ट्रोक नन कर रहे हैं, ठीक। अशोक चक्र हम बनाना चाह रहे हैं और उसकी तीलियां बनाना चाह रहे हैं, तो अशोक चक्र में हमारे कितनी तीलियां होती हैं, 24, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, रोटेशन टूल लिया और हमने जहाँ पे भी सेंटर पॉइंट रखना था वहाँ पे जाके हमने क्लिक कर दिया, ऑल्ट के साथ ड्रैग किया। अब इस ड्रैग में प्रॉब्लम क्या है कि जो एंगल आ रहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, तो कितना एंगल होता है, अगर हमने एंगल सही नहीं रखा तो कॉपीज नहीं आएंगी सही, है ना। हमने रेंडमली कोई भी मान लो एंगल ले लिया, तो अब कंट्रोल डी करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम आ गई, यानी एंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही डिफाइन करेगा कि कितनी कॉपीज निकलेंगी, ठीक। तो क्या करना होगा प्रॉपर एंगल जनरेट करने के लिए, नंबर ऑफ कॉपीज जितनी भी होंगी, ठीक, उसको 360 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना, है ना। तो 15 को जब हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी सॉरी 24 को जब हम 360 से डिवाइड करते हैं, तो जो कॉपीज आती हैं वो कितनी आती हैं, 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे आर्ट के साथ ट्रैक किया और अब हम यहाँ पे कितना वैल्यू लेंगे, 15। अब फिर से एक प्रॉब्लम दिख रही है, 15 पे वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है, देखो 0.16 डिग्री एक्स्ट्रा दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर हमने कंट्रोल डी करना स्टार्ट किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, देखो गैप का फर्क दिख गया, लास्ट वाले में हल्का सा गैपिंग का इशू आ गया, बाकी सब एक्यूरेट दिख रहे हैं। यानी ये एंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, जहाँ पे भी हमें एक्यूरेट लेवल पे कॉपीज चाहिए होंगी और हमें उसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी सेम रखनी होंगी, उस सिचुएशन में हमें एंगल बिल्कुल प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। और एंगल इस मेथड से रोटेशन से कॉपी तो निकल रही हैं, एंगल प्रॉपर नहीं सेट हो पाएगा, ठीक। तो क्या करें ऐसे इस सिचुएशन के लिए, क्या करना है, राइट क्लिक करना है और हमें यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है क्या, ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है क्या, हमें रोटेट लिया जाए। इससे क्या फ़ायदा है हमें, देखो एक्यूरेट एंगल हम पुट कर सकते हैं, हमने कितना पुट कर दिया यहाँ पे, 15, है ना, और कॉपी करें, ओके नहीं करना है, कॉपी करना है ताकि इसी की कॉपी निकले। लेकिन एक इशू दिखा, सेंटर हमारा वहाँ पे चला गया, दिख रहा है, कंट्रोल डी, कॉपी तो निकली 20 प्रॉपर 15 डिग्री के एंगल पे निकली, लेकिन सेंटर हमारे अकॉर्डिंग नहीं सेट हो पाया, है ना। तो फिर से कंट्रोल जेड, फिर से रोटेशन टूल हमने नॉर्मली क्लिक किया अगर, और अब राइट क्लिक किया कि सोचा हमने सेंटर चेंज कर दिया है, अब राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म में गए और रोटेशन टूल लिया, तो देखो प्रॉब्लम फिर से क्या है कि रोटेशन टूल वहीं पे उसका सेंटर पॉइंट शिफ्ट कर देगा, प्रॉब्लम फिर से वही आ गई हमारी, ठीक ना। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाए प्लस एंगल को भी की विंडो हमारे लिए खुल जाए, तो सिचुएशन क्या रहेगी, हमें रोटेशन टूल लेना होगा, ठीक। क्लिक करने से पहले हमें आल्ट प्रेस करके रखना है, इस बार हमने आल्ट प्रेस किया और अब क्लिक किया, तो हुआ क्या, सेंटर भी चेंज हुआ, विंडो भी खुली, देखो जो रिक्वायरमेंट हम चाह रहे थे मिल गई, हमें कितना मिल गया, 15 डिग्री। अगर कंफ्यूजन हो रहा है एंगल में, तो हमें मान लो 20 कॉपीज चाहिए, 40 कॉपीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 360 मान लो हमें 40 कॉपीज चाहिए, डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 40 कर देंगे, या हमें भाई अशोक चक्र बनाना, तो हमने कितना कर दिया, 24 कर दिया। प्रीव्यू एक बार बंद करके ऑन करेंगे, देखो एंगल अपने आप सेट हो, तो अलग से हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, यहीं से वो काउंटिंग हमें दे देगा। कॉपी करेंगे, कॉपी निकल आइए, कंट्रोल डी,
दिख रहा है कोई इशू इसमें अभी तक? ऑल्ट के साथ क्लिक करना है, ठीक है ना? तो फिर से हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं और इस डिजाइन को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। डिफाइन करने का पर्पस क्या है कि यहाँ पे हमने देखो कौन सा टूल ले लिया, लाइन सेगमेंट। एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, दिख रहा है? दोनों ही लाइन पे स्ट्रोक दे देंगे ताकि दिखे तुम लोगों को। तो यहाँ पे हमें स्ट्रोक पुट कर दी, सही है? ऊपर वाला एरिया ज्यादा रखना है, मिड वाला एरिया थोड़ा सा कम रखना है, दोनों साइड। हम चाह रहे हैं जहां से लाइन क्रॉस हुई है वहां से हमारा शेप डिवाइड हो जाए, ठीक? यानी तीन पीसेस में हम शेप चाह रहे थे, तो हमने यहाँ पे दो लाइन यहाँ पे क्या करी, सिलेक्शन में ली, सिलेक्शन ले लिया। पाथ फाइंडर में ऊपर के सारे ऑप्शन हम लोग देख चुके, नीचे एक ऑप्शन दे रखा कौन सा, डिवाइड लिया जाए। जैसे हम यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करेंगे वो एक्स्ट्रा लाइंस हमारी क्या हो गई, देखो खत्म हो गई। शेप हमारा अभी भी डिवाइड नहीं हुआ है, हो चुका है लेकिन राइट क्लिक करके हमें उसे क्या करना होगा, अनग्रुप। तो देखो ये शेप और ये शेप हमारा अलग हो गया, ठीक? इस शेप पर आए हमने यहाँ पे इस पे ऑरेंज, इस पे ऑफ वाइट कर देते हैं थोड़ा सा, और इस पे हमने कैसा दे दिया आ रहा है, ठीक है ना? तीनों शेप्स का सिलेक्शन लेके हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। तीनों शेप हमने लिए और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ग्रुप, है ना? फिर से हमने अपने एरो का सिलेक्शन लिया, ठीक? और जब हमने इसको ग्रुप किया तो अगर ध्यान से देखो इसमें डेप्थ कम दिख रही है, अगर साइड में देखें तो बिल्कुल फ्लैट पैच है। तो हम थोड़ा सा चाह रहे हैं कि इसमें हमें डेप्थ भी दिखे, है ना? तो कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अभी अलग अलग शेप है हमारे ये, ठीक? इफेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा क्या, ड्रॉप स्टलाइज के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा है क्या, इनर ग्लो। इफेक्ट्स के अंदर हमें ऑप्शन मिल रहा है इनर ग्लो, ले लेना है सिंपली। मोड क्या रखें इसका, मल्टीप्लाई रखें। हमें डार्क अपीयरेंस चाहिए तो मल्टीप्लाई, कलर वैसा ही दे दें डार्क, हमने यहाँ पे डार्क कलर ले लिया, ठीक? ऑरेंज का ही डार्क लें, ये ऑरेंज का हमने डार्क कलर लिया। फेदर वैल्यू थोड़ा सा कम करें, देखो जो डार्कनेस है वो हल्की सी एडजस्ट पे आती हुई दिख रही है, दिख रहा है? अंदर का कलर हमें व्हाइट दिख रहा है और हल्का सा हमने यहाँ पे वैल्यू कम करी, डार्कनेस की अमाउंट थोड़ी सी कम करी, इसको ओके कर। तो हल्का सा एडजस्ट हमारे कैसे दिख रहे हैं इसके, देखो डार्क नजर आ रहा है ना? ग्रीन वाले पे आ रहे हैं, इफेक्ट्स में गए और अप्लाई इनर ग्लो यहीं से अप्लाई करते हैं, ये देखो ये भी हल्का सा हमें डार्क फील होता हुआ दिख रहा है, ठीक? व्हाइट पर आ गए, यहीं से हमने इस पे भी क्या दे दिया, आ रहा है थोड़ा सा डेप्थ हमारे उस शेप की आती हुई दिख रही। अब हमने इसको क्या किया, ग्रुप किया और सिलेक्शन लिया, रोटेशन टूल लिया, आर्ट के साथ अभी हमने बताया क्लिक करना है, कर दिया हमने। कॉपी कितना पुट करना है, 15 डिग्री का दे दिया, कंट्रोल डी, और हमारा यहाँ पे तिरंगे के कलर में क्या बन गया, अशोक चक्र आ रहा है। तो इस टाइप से हम डिज़ाइन को अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, इफेक्टिव कर सकते हैं। तो रोटेशन में कैसे कॉपी निकाल ली है समझ में आ रहा है, अलग अलग तरीके से कॉपी निकाल के दिखाई। जो लास्ट ऑप्शन हमने बताया है ये सबसे एक्यूरेट मेथड था, इसमें हमारे एंगल में कहीं पे भी कोई इशू क्रिएट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम पेन टूल लें तो पेन टूल से भी कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे, ये लो हमने दे दिया, आगे भी हम क्रिएट करना बताएंगे पेन टूल से। स्ट्रोक यानी हम एक सिंगल स्ट्रोक को भी यहाँ पे क्या करा सकते हैं, रोटेट, और उसके प्रोफाइल को हम यहाँ से चेंज कर देंगे। मान लो हमने कैसा कर दिया, दोनों साइड से शार्प आ रहा है। रोटेशन टूल ऑल्ट के साथ क्लिक, एंगल कितना दे दिया, 10 डिग्री का दे दिया, कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल डी, दिख रहा है? तो अलग अलग स्टाइल के शेप बनते हुए चले जा रहे हैं, है ना?